नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम हस्तरेखा के शास्त्र के माध्यम से सूर्य रेखा का प्रकाश पार्ट वन में की सीरीज में लेके आपको चलते हैं। कहते हैं कि सूर्य एक प्रकाश, एक रोशनी, एक विकास, एक प्रोग्रेस, लेकिन सूर्य की जो प्रक्रियाएं हैं जीवन में अनंत है। कहते हैं ना, सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो सूर्य ग्रह का काफी प्रभाव होता है, और जीवन में हमेशा निरंतर प्रयास सफलता की तरफ को ही दर्शाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी हमारी बड़ी होगी, जितनी घेरा को कवर करती है, उतना हमारा जीवन सुखमय होता है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, हमारी सोच के बारे में बताती है, हम कितना डीपली नॉलेज करते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे स्वभाव के बारे में बताती है, हमारी परिवर्तनशीलता के बारे में बताती है, हमारे प्रेम संबंध के बारे में भी बताती है। तो आज हमने बात की है सूर्य ग्रह का प्रभाव पार्ट वन। अब ये सूर्य की जो फिंगर है जितनी बड़ी हो, कहते हैं इंसान ऐसे दूर की सोचता है। और आपने देखा होगा तकरीबन जिसका ये सूरज का पर्वत दब जाता है, जीवन में बहुत संकटों का सामना उनको करना पड़ता है, जीवन में उनके हर काम को डिले कर देता है, एक रोशनी नहीं मिल पाती, एक प्रकाश नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर जिस किसी का भी सूरज फ्लैट हो, समानता फ्लैट ऐसे हो, बराबर, ऐसे लोगों को जीवन में देखें आप, हर काम में सफलता मिलती है। किसी का भी काम करें ऐसे लोग, चाहे थोड़ा ही करें, उनको नाम यश की प्राप्ति मिल जाती है। लेकिन अगर यही सूर्य का पर्वत दब जाए या बीच से दब जाए, बीच में एक ऐसे रूप ले ले कि यहां पे लगे कि खड्डा सा हो गया, ऐसे लोगों के जो काम की करने की कला है ये तो वो कम हो जाती है। लोगों का जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, उनको कभी नेम फेम नहीं मिलता है। और ऐसे लोगों को आप देखें जिसका सन कमजोर होता है, आईज की प्रॉब्लम आती है, दूर की देखने की दृष्टि कमजोर हो जाती है। और ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो घुटने में दर्द होगा, हड्डियों से रिलेटेड चीजें इनको मिलती है। और ऐसे लोगों को जीवन में हर उस काम को डिले कर देता है सूरज। लेकिन अगर इसी के ऊपर कुछ शुभ चिन्ह बन जाते हैं तो जीवन में कुछ तरक्कियां भी इनको मिल जाती है। जैसे कि एक सूरज की रेखा, सूरज की रेखा बड़ी हो और उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तो ऐसे लोग जीवन में सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं और वहां पर नेम फेम की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर यहां पर आपने देखा होगा ये फेम लाइन है, ये फेम लाइन है, ऐसे लोगों को नेम फेम मिलता है, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, काम कैसे भी करे, इनके अंदर काम करने की जो क्वालिटी होती है काफी अति सुंदर होती है।
ऐसे लोगों को जीवन में नेम फेम अवश्य मिलता है। अगर सन के माउंट से और बुद्ध के पार्ट को देखती हो तो ऐसे लोगों को नेशनल तक नेम फेम मिल जाता है। और इसी प्रकार से एक आप देखें कि काफी जो सन के माउंट के पास एक फिश साइन बने, ये फिश साइन बने, ऐसे लोगों को काफी नॉलेज होता है, स्टीम नॉलेज होता है। ऐसे लोग चाहे बेशक गुस्से वाले ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को देखेंगे तो लोग पूछ पूछ के काम करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जीवन इस सूर्य रेखा के ऊपर है, अगर यहां कोई फेर कोई लाइन नहीं है, यहां पे कोई लाइन नहीं है, ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप इनके लिए कितना भी कुछ कर ले या आप इन लोगों के पास इतनी कह लो कि कम नॉलेज होती है, एक दूसरे की मान प्रतिष्ठा को देखकर इनको लगता है कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ऐसे लोगों को समझाना बेकार माना जाता है। लेकिन अगर सन के माउंट के ऊपर एक लाइन आपने देखा होगा, कई लोग प्रेम विवाह भी करते हैं और प्रेम विवाह एक सीधी खड़ी लाइन, ये सीधी खड़ी लाइन हो और ये सीधी खड़ी लाइन से सीधा एक हार्ट लाइन के ऊपर मर्ज हो, मिलती हो, काटती ना हो, नहीं तो प्रेम प्रवाह की धड़कन को रोक देता है। ऐसे लोगों को देखेंगे तो आप प्रेम विवाह निश्चित रूप से करते हैं और कई बार प्रेम विवाह के साथ अदर कास्ट में भी लोग चले जाते हैं शादी के लिए, तो उनके हाथों में देखें तो एक रेखा इधर इसी रेखा को मर्ज होती हो हार्ट लाइन में, और प्रेम के साथ साथ उनके अरेंज भी हो जाती है। अगर ऐसे उनके हाथों में रेखा है तो विवाह का संयोग बन जाता है, चाहे अदर कास्ट से ही क्यों ना बने, लेकिन ये रेखा काट देगी तो ऐसे लोगों का प्रेम संबंध बनते बनते टूट जाता है या रह जाता है या सफल नहीं हो पाता है। इसी के साथ एक और साइन देखते हैं। आपने देखा होगा जीवन में बहुत लोग संघर्ष करते हैं लेकिन उनके पास कोई एक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है, और यहां पर अगर एक स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बने, ऐसे हार्ट रेखा के बीच से निकलती हो, ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टी बनती है। आज वक्त कैसा भी, आने वाले समय में इनको एक एक से कई प्रॉपर्टियां बनती है और ये निश्चित रूप से बनती है इनके जिनके हाथों में ऐसी साइन बने। और इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं। ये जीवन का एक प्रकाश, एक रोशनी, एक उजाला है, सभी को चीजें मिल जाती है लेकिन कुछ इसके प्रभाव को देखना पड़ता है। अगर इसी सन के माउंट के ऊपर एक फिश साइन बन जाए, फिश साइन बने, फिश साइन का बनने का एक ही तात्पर्य होता है, उसके मुंह और पूछ जरूर होनी चाहिए। अगर बनता है तो ऐसे लोग जीवन में अधिक धन किसी भी क्षेत्र में हो, नेम फेम तो मिलता है, धन की प्राप्ति भी करते हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन काफी सुखमय और सौभाग्यशाली होता है और जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।